साथियों नमस्कार। बेहद दर्दनाक खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। पूरा का पूरा परिवार साथियों जिंदा जला है। जी हां दोस्तों, बेहद बुरी तरह से झुलस गया है। साथियों जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो बिहार से। बिहार में 44 साल से रह रहे मराठी परिवार के लिए महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने लीक से हटकर बड़ी मदद की, वे भी बिना मांगे। पटना में रहने वाले एक परिवार की सिलेंडर ब्लास्ट में बुरी तरह से झुलस गया था। शिंदे ने पुणे लाने के लिए अपने खर्च पर एक एयर एम्बुलेंस भेज दी। मदद मिली या नहीं ये जानने के लिए शिंदे देर रात तक जागते भी रहे। इस घटना के बाद CM शिंदे की बिहार में खूब चर्चा हो रही है। वे कोशिश नहीं करते तो शायद 4 लोगों की जान नहीं बचती। बड़ी बात यह है कि 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में एक भी बर्न हॉस्पिटल नहीं है। झुलसे लोगों को यहाँ के हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे थे। घटना 14 जुलाई देर रात की है। घायलों को 17 जुलाई को एयरलिफ्ट किया गया है। पटना के बारगंज के अमोला जाधव का 3 मंजिला मकान 14 जुलाई की देर रात करीब 2:15 बजे उनकी पति रोहिणी उठी तो देखा किचन में लाइट जल रही थी, बंद करने गई तो जैसे ही स्विच दबाया तो ये धमाका हुआ। दरअसल कमरे में रसोई गैस लीक हो गई थी। इस हादसे में अमोल, उसकी पत्नी बाजू वाले कमरे में सो रही बेटी लिपिका और बेटा संग्राम झुलस गए। 4 परिवार वाले जिंदा जल गए।